तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसों के बेड़े में मजीद 500 बसों का इजाफा होगा क्योंकि आरटीसी अहदेदार अंदरून एक माह हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मरहलावार तौर पर 500 बसें मार्च से जून और जुलाई तक सड़कों पर मुकम्मल तौर पर दस्तियाब करवाई जाएंगी। उन बसों में मर्दों, माजूरों और बुजुर्ग शहरियों को नशस्तें हासिल करने का मौका मिलेगा। इसी तरह जिन तुलबा ने बस पास लिया है उनके साथ जिन लोगों ने जनरल पास लिया है वो भी इलेक्ट्रिक बस में सफ़र कर सकते हैं। रियासत में बरसर इख्तदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के जरिए तमाम खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की है, जिसके बाद तमाम बसों में ख्वातीन का हुजूम देखा जा रहा है। महालक्ष्मी स्कीम के दस्तियाब होने से पहले हर रोज़ 12 लाख ख्वातीन आरटीसी बसों में सफ़र करती थी, तहां मुफ्त सफ़र की स्कीम नाफिस होने के बाद ये तादाद तकरीबन दुगनी हो गई। चूंकि हर बस ख्वातीन से भरी हुई है, यहाँ तक कि मर्द, माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों को भी बसों में नशस्तें नहीं मिल रही हैं, इसीलिए नई बसों में मर्दों, माजूरीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए रिजर्वेशन होगा।